हाय गाइस, दिस इज राधव राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए एकेटीयू की तरफ से जो कि 5 अप्रैल 2022 के दिन जो एकेटीयू सर्कुलर पर नोटिस आया है रिगार्डिंग जो कि हमारे जो कि एग्ज़ाम हुए थे अभी जो कि सेकेंड फेज के एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो कि प्रथम सेमेस्टर और बीटेक बीफार्म जो कि हमारे एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कि सेशनल और जो कि हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जितने भी प्रोजेक्ट और जितने भी सबके जो सेशनल मार्क्स थे उनकी डेट हमारी जो कि 31 मार्च थी 2022 की लास्ट डेट उसको आज एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि एक टाइम और दिया गया है। हम लोग को दो डेट दी गई हैं 6 अप्रैल और 7 अप्रैल का लास्ट चांस दिया गया है जो कि ERP लॉगिन पर खोला जा रहा है जो कि अपने जो भी कॉलेज जितने भी कॉलेज थे उन्होंने अपलोड नहीं कर पाए थे अपने जो सेशनल मार्क्स थे। कुछ कॉलेज रह गए थे तो उन्होंने कंप्लेंट की ATU को कि हमारे जो कि मार्क्स अपलोड नहीं हो पा रहे तो इसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया है। तो आप लोग जो भी कॉलेज के जितने भी लोग स्टूडेंट हैं जो अपने मतलब जो भी हैं तो दोबारा से आप लोग 6th और 7th अप्रैल को ये लास्ट चांस आप लोगों को दिया गया है। और ये देखिए हमारे जो कि प्रोजेक्ट अंक दिनांक ये कि जो हम लोगों को बताया गया है जो दिनांक हमारा बताया गया है कि जो कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट अंकों के ERP अपलोड करते हुए थे हस्तारिक हार्ड कॉपी की भी लास्ट डेट हमारी जो दी गई है जो कि 15 अप्रैल 2022 की जो हार्ड कॉपी हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा जो कि टीचर्स हमारे हैं उन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। जो सेशनल मार्क के लिए एक्स्ट्रा चांस दिया गया है जो कि 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को लास्ट चांस दिया गया है और हार्ड कॉपी का हमारा लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो मैं ये गाइस आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखा तो आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये हमारी जो रिजल्ट का डेट है जो कि एग्ज़ाम अभी जस्ट खत्म हुए हैं और 15 तारीख को हार्ड कॉपी की सबमिट करने की डेट है तो समझ लीजिए उसके 20 डेज के बाद ही हमारा रिजल्ट आता है। तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए 1st week of April या 2nd week of April में आप लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट आ जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये 1st week of April में आ जाएगा आप लोगों को।